चैनल कैसे आप सब लोग। अभी भाई मैं मस्त बढ़िया तैयार वैयार होके निकल रहा रायपुर की तरफ, क्योंकि आज एक हमारे ग्रुप में आज एक गाड़ी आने वाली है। तो आपको थंबनेल में समझता ही गया कि गाड़ी आ रही है, लेकिन कौन सी आ रही है, क्या आ रही है, ये सब तो आपको वीडियो में आगे दिख ही जाएगा। और क्या पता आपको थंबनेल में पता भी चल जाए कौन सी गाड़ी आ रही है ग्रुप में। मेरे हमारे यहाँ जो गगन भी है, जो बिग मशीन वाले, जो आप लोग देखे जो अपने ऑडी A3 का सर्विस सब किए थे, तो उनके यहाँ वही ले रहे हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल यहाँ से निकल रहा हूँ रायपुर की तरफ। जस्ट अभी शॉप से निकला, पीछे देख ही सकते हो सेक्टर 10 में ही हूँ। जस्ट अभी शॉप से निकला, मैं बोला अभी चलो फ्री, अभी समय हो गया भैया 4 बजे बोले थे पहुँचने, और अभी बज रहे 3:20 और 3:30 हो ही रहा ऑलमोस्ट। तो भाई 4 बजे तक पहुँचना है। अब वो तो बोले हैं जल्दी बोले, वो तो पता ही है सर कि सब लेट लतीफ़ वाले अपन सब लोग हैं, तो थोड़ा जल्दी बोले होंगे, बट फिर भी पहुँचते बढ़िया अभी फटाक से। फिर उधर देखते क्या सीन है, देख रहा है गाड़ी का कोई दरवाज़ा खुला हुआ है। ये कौन सा दरवाज़ा खुला है आई डोंट नो, नहीं मेरा तो नहीं है, पीछे वाला शायद, पीछे वाला हाँ देखा पीछे वाला ही था। तो बस चलो अब फटाक से अपन चलते हैं। रुक जाओ भैया, आज पता है सुबह मेरे साथ एक चोट हो गई। मैं सीधा सीधा जा रहा था और यहाँ पे एक बाइक वाला स्कूटी वाला था, वो अचानक से रुक गया। मैं जा भी ना, मतलब मैं मोड़ रहा था गाड़ी, भाई बेचारे को लग गई मेरे गाड़ी का बम्पर तो थोड़ा सा खुल गया। भाई क्या कुदाते हुए जा रहा है भाई, ये फुल भाई कट मारा जोरदार। 0.5x में तो नहीं पता चल रहा होगा आपको, बट उसमें भाई बहुत जोरदार कट मारा है। तो हाँ मैं ये बोल रहा था, तो बम्पर का थोड़ा सा कलर निकल गया और थोड़ा सा बम्पर खुल गया था। बम्पर तो तुरंत संजय भैया एक ठक मुक्का मारे ठीक हो गया। बस तो अभी भगते अपन ग्लोब चौक पर जस्ट पहुँचे। भाई रास्ते ऐसे उबड़ गाबड़ ये देखो, समझ ही आ रहा होगा मैं तो ज़्यादा स्पीड भी नहीं चला रहा, 70 की स्पीड पे हूँ, फिर भी इतना ढोल रही है गाड़ी इधर से वहाँ वहाँ से, हाँ पूरे रास्ते की ऐसी की तैसी हो गई। मज़ा नहीं आता, पता रास्ता मज़ेदार नहीं होना तो मज़ा नहीं आता है। ऊपर से मैं क्या बहुत दिन से गाड़ी ये वाली चला नहीं रहा था ना, फॉर्चुनर ही चला रहा था, तो इसका स्टेयरिंग में थोड़ा सा मतलब वो फंस रहा था स्टेयरिंग हल्का, तो ये भी बाद में जाके ग्रीसिंग ऑयलिंग करवा लूँगा। तो बहुत दिन हो जाता है खड़ी, और पहले भी क्या जब रात भी ऐसे गाड़ी लिया तब भी ये गाड़ी खड़ी ही थी काफ़ी समय तक, तो शायद स्टेयरिंग क्रैक कॉलम नॉट ट्रैक, स्टेयरिंग कॉलम में शायद फ्रिक्शन कम हो गया, ये देखो। तो वही है, बाकी अपन बस ऑलमोस्ट पहुँच ही गए हैं। बड्डा हो गया, ठोक दिया गाड़ी, फड्डा हो गया भाई, यहाँ पे भी फड्डा हो गया, ये ट्रक को भी रोक दिया बाइक वाला, फुल फड्डा बाजी भाई। अब मैं टोल के पास पहुँच गया हूँ ऑलमोस्ट, और अभी यहाँ से अभी भैया को फ़ोन करते हैं, पूछता हूँ कि भैया कहाँ हो, कहाँ आना है मेरे को एक बार बताओ, क्या सीन है, किधर पहुँचूँ, भैया को पूछता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ अपन को कहाँ जाना है। अभी फ़िलहाल अभी भैया से बात हुई, और अभी भैया बोल रहे कि मैग्नेटो वाला जो उनका आउटलेट है बिग मशीन का बाइक वाला, वहाँ आ जाओ। चलो वहाँ आ जाता हूँ। अब भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है टोल से जस्ट पहले, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। अरे गुरु उतार दो क्या, गाड़ी टकरा जाएगी, लेकिन हुआ क्या है, लेकिन इधर से उतार दो, कहाँ से, हाँ यहाँ से तो उतार सकता हूँ मैं, पीछे कोई आ तो नहीं रहा है। यस सब पीछे छोड़ दो सबको, ये लो ये सब पीछे जाओ सारा, ये लो सबसे 5-10 आगे है, बहुत लंबी लाइन है यार, कोई नहीं ऐसे भी अपन को तो साइड से चले जाना है। ये देखो बाइक वाले भैया लग जाएगी, BMW की बाइक जा रही है।
सब लोग दूर दूर चलो मेरे से, आज सुबह ऐसे एक बिया को चिपका के आऊं। हट जाओ भैया। भैया लोग जो बीच में अभी डिवाइडर पे थे भाई, मैं देखा नहीं, मैं बाद में देखा, वहां पे नाग था, वो बीच में नाग बैठा हुआ था। अब बीच में कैमरा, डैश कैमरा में कितना जस्टिस हुआ मेरे को नहीं पता भाई, उसमें नाग बैठा था, मैं देख के डर गया, रोंगटे खड़े हो गए मेरे, ऊपर से सामने जन वाला सर जगह ही नहीं थे, बेवकूफ आदमी भाई वो ना, और भयंकर मोटा, इतना मोटा था वो, अब जिंदा था नहीं था ये तो नहीं पता, बट शायद जिंदा ही था, तभी तो वो लोग ऐसे लकड़ी से कर रहे थे कि भाई काट वाट ना ले भाई, अल्लाह की भयंकर मोटा रायपुर में ना, वो भी हाईवे पे, क्या पता कहीं से आ गया होगा बेचारा बारिश में तैरते वैरते। रायपुर एंटर कर चुके, टाटी बंद वाटी बंद सब क्रॉस हो गया, ऑडी ऑडी सब क्रॉस हो गया, अभी अपन कहाँ मैग्नेटो पहुँचने वाले हैं, और यहाँ पे अभी इतना ज़्यादा रैश ड्राइविंग कर रहे हैं सब, ये देखो ये गाड़ी वाला, ये देखो अरे मेरे जस्ट पीछे एक है ना सेलेरियो वाला, फुल पैं पैं पूं पूं करते हुए आ रहा है, अभी बस था बस में घुस, ट्रक था ट्रक में घुसने वाला था, ये इधर दिखा, ये देखो ये दिखा, हाँ ये देखना क्या जुप से जाएगा ना, वैसे भी जुप से नहीं मतलब यहाँ स्पीड में जाएगा, तो वही है बस अपन अब पहुँच गए रायपुर, अभी बिग मशीन में वेट करूँगा भैया का, भैया बोले आ ही रहा हूँ फ्रेश होके, मैं बोला चलो आप पहुँचो आप, तब तक अपन इंतज़ार करते हैं। एंटर किया अपने बिग मशीन में भाई, बहुत ट्रैफिक था इधर सिग्नल पे, इधर तो पूरा तो निशान निशान का ही है, पूरा निशान निशान यही सब का है, तो आके अपन इधर डाल देते अपनी गाड़ी, ला देते हैं भैया सारी गाड़ी लेके चल दिए, सारी कार उधर है, इधर बाकी क्या है अपनी भैया की गाड़ियाँ होंगी और सेल वाली, बाकी चलो अंदर वेट करते हैं भैया के आने का, भैया के यहाँ आउटलेट में वेट कर रहा हूँ, जो अपना बाइक वाला बिग मशीन, यहाँ पर भाई बढ़िया बढ़िया बाइक खड़ी हुई है, जैसे कि एक निंजा है, ये पेनली है, हायाबुसा है, ये ह्यूसोंग करके गाड़ी आती थी, ये ST7 है, उसके बाद क्या है ये कौन सी है मेरे को समझ नहीं है, HD है, हार्ली डेविडसन है क्या नया वाला कौन सा है, हाँ ये कौन सी है हार्ली डेविडसन, यस 1250 CC, ये आपकी 310 हायाबुसा 1300, ये भी 1300, और एक छोटी सी ह्यूसोंग, सो यही है, यहाँ पे अभी इतनी बाइकें आयन है, बाहर भी आयन खड़ी है, तो ये सब पूरी बाइक अभी यहाँ पर हैं, अभी तक भैया आपका बात है वेट करता हूँ, ये आए तो फिर निकलूँगा उनके साथ ही, तो फोन में बात हुई तो भाई बोल रहे थे कि आ रहे थे, चलो ठीक है आप देखो उनसे जा रहा है, गन भी आ गए, तो क्या ट्रक में कुछ कुछ एक गाड़ी आई हुई है जिसको आगे पीछे करना था, तो मैं भी गाड़ी में आया था भाई, भाई अब भैया जैसे बोलते वैसे चलते, हेलमेट वेलमेट साफ किया जा रहा है इधर, तो बस फिर वी आर गुड टू गो, सब भैया बोले कब जाना है फिर चलेंगे, तो अभी हम लोग निकले भैया के, अच्छा जो आउटलेट है उससे शोरूम के लिए, गगन भैया सामने, अमन भैया इधर अपनी गाड़ी भैया की गाड़ी मतलब, और सब आए हुए हैं भैया के परिचित जो भी, सब वेट कर रहे हैं, बाहर लाइनअप स्टार्ट हो गया, सारी बाइक वाइक सब बाहर लाइनअप स्टार्ट हो गया, दिखा रहा हूँ इधर इज द लाइनअप, भैया के पहचान में जितनी गाड़ी सब, और
यार, यहाँ पे भी गाड़ियाँ ही गाड़ी, चारों तरफ गाड़ियाँ। अपना छोटू भाई भी आ गया है, अभिनव भी आ गया, और बस अब और कुछ कुछ लोग आने बचे कर रहे हैं, फिर निकलेंगे। अभी ये बता रहे थे बिलासपुर से भी और कई लोग आ रहे हैं, सो उनका ही वेट कर रहे हैं। उसके बाद फिर अपन बाइक की डिलीवरी लेंगे। ये है ट्रैम 900 टाइगर, जितना मेरे को पता है, अब नहीं पता। वो उस टाइम में पता चला बम फोड़ दिया कि वो गाड़ी ही नहीं है, दूसरी गाड़ी निकली। 1850 की तो गाड़ी है, 1850,000 की बाइक है। अब देखो कौन सी है, मेरे को भी अभी तक क्लियर नहीं पता है क्या है, बस बोले कि भाई गाड़ी ले रहे हैं। बस गाड़ियाँ देख रहे हो, नई नवेली गाड़ियाँ सारी, और सब अभी वेट ही कर रहे हैं। अपने गगन भी वहाँ है बाहर में भाई, मतलब ऑलमोस्ट 30-40 पीपल होंगे। सब लोग बातचीत चल रही है सब अपने अपने में। हम लोग ट्रेंड बना रहे हैं हम लोग दोनों मिलके कि भाई काम तो आएगा डालने के लिए, आपको दिखाने के लिए भाई कैसा क्या एक्सपीरियंस होता है। क्यों सही बात है कि नहीं है? यहाँ पे ट्रैम पे 400 स्क्रैम्बलर, इधर भी है स्पीड 400, वो 400, उधर RS 765, और आखिरी में 900 टाइगर। सो यही है। अब ये कलर कौन सा है मेरे को समझ नहीं आ रहा, मतलब रेड और ग्रे लग रहा है। हल्की सी गाड़ी दिख रही है, देखो यहाँ हल्की सी गाड़ी दिख रही है। Left me lonely, I could tell them the whole story. It may take a couple hours, I've got time. Let's get the chat to how could I explain the situation, man. बैठने के बाद होती, मैं बैठूं? नहीं, स्टैंड लग गया ना, नहीं पाए लाते नहीं, क्योंकि आशीर्वाद Thank you.
तो गाइस अभी सब बढ़िया से डिलीवरी ले लिया, अब बस केक कटिंग करेंगे आखिरी में फिर जाएंगे। कुछ भैया लोग को लेट हो गया था आने में क्योंकि रास्ते में काफ़ी बारिश थी, तो अभी अब चलो कोई नहीं, लेट हो गया ऑलमोस्ट 7:20 हो रहे हैं, बज गए हम लोग 4 बजे से वेट कर रहे हैं। तो यही बाकी अब बस खाएंगे, भैया लोग आए हैं दूर से, आए हैं अंबिकापुर से आए, तो रास्ते में काफ़ी बारिश था करके लेट हो गया। बाकी अब केक वेक खाया जाए। जन्नत दिखाओ, ये देखो बाहर का लाइनअप, बस देखो भाई गुरु, मतलब मजा आ जाएगा। हार्ली हार्ले हायाबुसा न्यू मॉडल भाई, पूरा लाइनअप देखो भाई। हाँ भाई जन्नत है जन्नत। अब भैया गाड़ी निकाल रहे हैं अंदर से, तो अभी सब गाड़ी बाहर लाइनअप में डाल दिए, तो बस अब भैया का निकलने का वेट है। फिर बोल रहे एक राइड मारेंगे सब सिटी का, फिर सब अपने अपने यहाँ। तो ये है लाइनअप पूरा। My heart to you, you see it opens up for nobody. It's been so hard to fall asleep. The weather always makes my nose bleed. Makes my nose bleed. It's so hard to believe that one day I'll feel peace. I want control over my life. I want that driver's seat. Yeah, it's not you that I need. You push me down when I'm weak. You were never there for me. Go pick up your keys and leave. I can't go back to you, my friend. जो हल्ला गुल्ला हो रहा था आप लोग देखें भाई, मज़ा आ गया, अलग कानों को सुकून, और जो लाउड है गाड़ियाँ भाई, अलग क्या ही बोलें। बाकी अब सब आखिरी लास्ट फोटो शूट चल रहा है, फिर सब निकलेंगे हम लोग, तो यही है। बाकी अब भगते हैं जल्दी से, बस ये फ़ोटो शूट और सब चल रहा है, भाई लोग रील बना रहे हैं और सारी चीज़ें। You try but can't get through to me. It's not you, yeah, it's always me. I close my heart to you, you see it opens up for nobody. It's been so. भैया को कॉन्ग्रेचुलेशंस, भैया पार्टी तो बची है। हाँ भैया, ओ गगन भैया, पार्टी तो बची है, जा रहे हैं ना? तो अच्छा जा रहे हैं क्या? तो हम भैया सारी गाड़ी चालू करके सब रोर करेंगे भाई, अच्छा स्टार्ट किए हैं, पटाखे मार रहा पीछे है।
सो अभी हम लोग जा रहे हैं प्रिया के साथ गाड़ी में। हाँ आ रहे हो तो अभी अपनी सवारी गन्नो रानी। बैठ जा तू बीच में आ जा, हम लोग दोनों साइड साइड में आ जाएंगे। बैठ जा बीच में चले जा। वर्कआउट करो और दूसरी वस्तु दिखा। तो ये अपने पीछे गाड़ी है, यही गाड़ी का ब्रेकडाउन हो गया था तो शूट तो मैं कर नहीं पाया रोलिंग वाला, बट कोई नहीं हा? तो बस अब जा रहे भैया लोग यहीं आ रहे हैं वापस। बोले कि अब एक गाड़ी एक बंदा छोड़ गया तो क्या मतलब है, मज़ा नहीं आएगा, इसलिए बस अपन अब बाहर ही खड़े हैं। अभी हम लोग सब लोग भैया के शोरूम में आए, जैसे कि आप देख रहे हो मैं तो टुक-टुक में बैठा हूँ और बाहर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, तभी हम लोग सब यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि बारिश कम हो या फिर गाड़ी तो सब है ही, एक अपनी गाड़ी है और एक एंडीवर है। तो बस अब जैसे एक भी आने वाले उसके बाद फिर अपन निकलेंगे, खाने में बहुत भूख लगी है। अब तो अपन फ्री है ना, अब ये गाड़ी ऑन किए इसमें ऐसे दिखाएगा टाइगर, पहली टाइगर है पूरा छत्तीसगढ़ की। इधर सब मेनू बटन दिए, इधर ये होम बटन, इधर होम बटन दबाया, एवरेज कितना रेंज है सब कुछ। अभी तो है ही नहीं पेट्रोल वेट्रोल है ही नहीं, और कुछ कुछ आ रहा है वो नहीं पता मेरे को, तो नहीं समझ आता ब्लूटूथ सब है तो भैया ही बताया। बाद में इस पर अपन एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, कुछ है क्या बटन दबा के देखता हूँ ऐसा नहीं है। इधर से क्या होता है ये कुछ है, फटती है नहीं करूँगा, ये तो क्रूज कंट्रोल है, यहाँ पर क्रूज कंट्रोल है, पास लाइट, ये हीटेड एक है कुछ तो है ये नहीं पता मेरे को, भैया से पूछूँगा एक पूरा फिर वीडियो बनाऊँगा क्यों। बच्चे कहाँ से आ गए, ये अंदर चलो गिर जाओगे। सामने एंडेवर, यहाँ सफारी और यहाँ नीचे जमीन में मैं पानी देख रहा, पूरा पानी भर गया है इतने में ही। अबे इसका स्टेयरिंग जाता है साला, इसमें पानी में पूरा टाइट हो जाता है। हम लोग आए खाना खाने कमेंट्स करके एक जगह वहाँ, तो अभी सब लोग हम लोग खाने बैठे हुए हैं आखिरी आखिरी के साथ लोग, हम लोग सब बैठ गए अभी खाना खाने। हम लोग खाना वाना खा के कुछ बोला क्या वो उधर बैठा BMW में, तो अभी अब सब हम लोग निकल रहे हैं, भैया भैया भी निकल रहे गगन भैया और इधर से भैया लोग भी निकल रहे हैं। अब मैं बहनों को छोड़ूंगा और भाई फिर निकलूंगा मैं भी। भाई रात के 12 बज गए हैं, प्रॉपर 12 गैंग निकली भैया हटा तो लो प्लीज। तो देखो अरे दिख ही नहीं रहा, ठीक है दो ऊंची दो नीची। अबे वो तो जमीन में चल रही है BMW। हाँ इससे भी नीचे बहुत भाई, हैंड ब्रेक उतार। अच्छा भाई इसमें आवाज आता है, बस अब भागेंगे, मैं इसको छोड़ूंगा। भाई मेरा तो इतना तबीयत खराब हो गया ना, खाली पेट ऐसा लग रहा है कि मैं चक्कर खा के गिर जाऊंगा, इतना बुरा हाल हो गया, बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया था खाने पीने में। अब बस भैया के जो आउटलेट है शोरूम में जो बिग मशीन वाला बाइक का, उसके अपोजिट में भाई की गाड़ी है, तो इसको ड्रॉप करूँगा फिर मैं भी निकलूँगा, मेरे को तो बहुत लंबा जाना है, बहुत लंबा जाना है। आज समझ में आया इसका, तो जब ये भिलाई आता था और हमने बोला अरे ठीक है थोड़ी देर से जा। क्या पानी है होगा, लेट हो गया बाप रे, वो गई तो इतना पता नहीं चला ले, BMW मरवा ली, क्या हो गया मर गई क्या मालूम क्या हो गया, चला गई क्या, देखो हमारी ड्रैग रेस करनी है क्या, अभी क्या हो गया, सब गया एक निकला गजब, हाँ ट्रे तोड़ दिया नीचे का थोड़ी सी पानी में इतना हो गया, अब स्पीड में होगी ना गाड़ी, स्पीड में होगी चलो अब निकल गया काम कर क्या।
पूरा ऊपर तक आया है ना, दिखा रहा था ना इसका पूरा अंडर बॉडी निकल गया। फ्लाई बाय हो रहा है भाई, काला धुआं मार रही है वैसे गाड़ी, काला धुआं मार रही। तो बोला ना ये सब पानी ऐसा इंडिया के लिए नहीं है भाई। वे हाँ तू तो चल, अबे तेरे को क्या हो गया, ये चलनी थी। चल भाई अब चला जाए, पहुंचा जाए घर। बिना की गाड़ी ये ट्रैम शोरूम, और इधर मैं और उधर भैया। तो दरवाजा बंद कर, निकल जाएगा भैया, बहुत जगह है। तो बस अब वही है भाई, मेरा तो हालत पस्त हो गया, आँखों से देख रहे थक गया हूँ पूरा। तो मैं सोच रहा हूँ वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, धीरे धीरे जाते हैं घर रन्नों को लेके। नहीं सामने सीट में ही रख देना, और हैरी से मिलते हैं, हैरी की जरा इंतज़ार करना है मेरा। तो वही है, बाकी मिलते हैं, मैं आपसे बात करता हूँ थोड़ी देर में ना, अभी इसको छोड़ता हूँ। चल मैं जाता हूँ, आराम से जाइए है ना। मैं बहुत ज़्यादा मेरी हालत कवर हाँ भाई, ये तो मेन चीज थी भाई। चलो गाइस चला जाए घर की तरफ। ये वीडियो थोड़ी लंबी है, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना, और कुछ भी आपको अच्छा लगे पार्ट में तो उसको बताना कि हाँ ये ऐसा अच्छा लगा, कुछ ख़राब लगे तो बताना, ये मज़ा नहीं आया, जो भी चीज़ें होंगी सारी चीज़ें आप लोग बताइएगा मेरे को, है ना। बाकी अब घर पे जाके डायरेक्ट मिलता हूँ आपसे, वीडियो एंड करते नहीं कर पाऊँगा तो सुबह एंड करूँगा, बिकॉज माई एनर्जी इज़ ज़ीरो। सो मिलते हैं।